पार्ट है इसका प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, प्रूविंग इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, यानी कि हमको प्रूव करना है कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है वो इर्रेशनल है, कोई नंबर दिया हुआ है वो इर्रेशनल है। जस्ट यही मेथड फॉलो करना है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 9th क्लास में तुम लोगों ने किया होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। ठीक है, यू नीड टू प्रूव √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। नाउ व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखो, हम ये मानेंगे कि हमारा √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। √2 क्या है, रैशनल नंबर। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर एंड यू नो रैशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म p by q, रैशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म p by q। तो p by q इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, इट इज ऑफ द फॉर्म a by b, और रैशनल नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट ये होता है कि a by b आर कोप्राइम नंबर्स, दीज आर कोप्राइम नंबर्स, ये और डिवाइड नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 4/6, इज इट अ रैशनल नंबर? नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट यस 2/3 इट इज अ रैशनल नंबर, these are co-prime numbers. Now and second condition is that कि b should not be equal to 0, so rational number में ab should belongs to co-prime and b should not be equal to 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि √2 जो है वो a/b के बराबर है, a/b यानी कि एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ से इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, √2b इज इक्वल टू a, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड इट विल बिकम 2b² व्हिच इज इक्वल टू a, 2b² इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये हो रहा है कि a इज इक्वल टू 2 into b², मतलब ये हो रहा है कि कि ये जो 2 है ये a से डिवाइडेड है भाई, a इज इक्वल टू 2 into b² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 इज डिवाइडेड बाय a। ये मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन में है, किसी थर्ड टर्म के बराबर है, इसका मतलब ये टर्म डिवाइडेड बाय a, ठीक है। इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, कि यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी कि 2 इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, which implies that अगर 2a² से डिवाइडेड हो रहा है, which implies that 2 is divided by a, तो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि a is equal to 2 into some constant, some integer। अगर 2a से डिवाइडेड है, इसका मतलब हम a को लिख सकते हैं 2 into some number, यानी a is equal to 2c, अच्छा, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को लेकर हम क्वेश्चन को आगे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो दिस विल बिकम a² इज इक्वल टू 4c², इसका मतलब, और a² की वैल्यू क्या थी, कितनी थी, 2b², यानी कि 2b² इज इक्वल टू 4c², यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 इज डिविजिबल बाय b²। देखो जैसे यहाँ पर 2 इज डिविजिबल बाय a² था, सिमिलरली इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि 2 इज डिविजिबल बाय b², इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज डिविजिबल बाय b, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 इज डिविजिबल बाय बोथ a एंड b, 2 इज डिविजिबल बाय बोथ a एंड b। अब एक चीज बताओ, क्या 2 के 2 कॉमन फैक्टर आ सकते हैं, 2 के 2 कॉमन फैक्टर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, 2 के 2 कॉमन फैक्टर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि 2 के दोनों कॉमन फैक्टर हैं a और b, 2 के दोनों कॉमन फैक्टर हैं a और b, और हमने यहाँ पे लिया था कि √2 इज इक्वल टू a बाई b, ये कोप्राइम है, इसका मतलब √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। दिस कंडीशन कंट्राडिक्ट्स द गिवन कंडीशन, This condition contradicts the given condition. Therefore, root 2 is an irrational number. I hope the logic gets clear. Logic gets clear. देखो, root 2 irrational है. Root 2 irrational है. Irrational का मतलब उसके co-primes नहीं आने चाहिए थे. Rational number हमने लिया a upon b और a भी 2 को divide कर रहा है, b भी 2 को divide कर रहा है. इसका मतलब ये co-prime नहीं है. अगर co-prime नहीं है तो इसका मतलब ये rational नहीं है. और अगर rational नहीं है तो ये क्या है? Irrational है. Think समझ में आई how to get through that questions. Note it down. Note कर लिया. बढ़े आगे. चलो ठीक है. Next question देखते हैं. Concept वही रहेगा. Concept वही रहेगा. Concept में कोई change नहीं आएगा. Concept rational number का concept है कि co-prime होना चाहिए. यहाँ पे दिया हुआ है prove that root 3 is irrational number. Irrational number. ठीक है. हमारा काम क्या होगा? Root 3 is a rational number. अगर rational number है तो let it be equal to a upon b. Let it be equal to a upon b. अगर a upon b के बराबर है तो यहाँ तुमको कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है. ये नहीं लिखा तो क्वेश्चन गया. ये नहीं लिखा क्वेश्चन गया कि a b जो है वो क्या है? कोप्राइम है. कोप्राइम है और b is not equal to 0. Next काम squaring both the side. Next काम squaring both the side. यहाँ जाएगा 3 a square b square. तो यानी कि 3 is equal to a square upon b square. इसका मतलब 3b square is equal to a square. अब यहाँ से स्टेटमेंट आ रहा है कि 3 is divided by a square. यहाँ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि 3 is divided by a. Let it be first equation. Let it be first equation. और अगर यहाँ से समझ में आ रहा है कि 3 is divided by a, so therefore a is equal to 3 into some constant c, some integer c. Now again square both the side. A square is equal to 9c square. What was the value of a square? 3b square. That is equal to 9c square. ये cancel, ये cancel. So b square is equal to 3c square. यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि 3 is divided by b square, which implies that 3 is divided by b. Let this be second equation. So from equation 1 and 2, it is clear that a and b have at least 3 as a common factor. From equation 1 and 2, it is clear that a and b have at least 3 as common factor. और हमने यहाँ पे क्या लेट किया था? They are co-prime. They should not have any common factor. उनका HCF 1 ही आना चाहिए. इसका मतलब हमारी जो गिवन कंडीशन है जो हमने लेट किया है that contradicts and therefore root 3 is an irrational number. I hope the question and the concept is clear. Note it down. Done. बढ़े आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. ठीक है. जैसा root 3 का क्वेश्चन था. ठीक है. अब एक अगला क्वेश्चन है prove that 3 root 2 is irrational. ये प्रूव करना है कि 3 root 2 जो है वो क्या है? इरेशनल है. 3 root 2 इज इरेशनल. अब एक चीज बताओ, हमारा कंसेप्ट तो वही है कि लेट 3 root 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पर a b क्या है? को प्राइम है और b इज नॉट इक्वल टू 0. स्क्वायरिंग बोथ द साइड या स्क्वायर नहीं भी करो. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखोगे root 2 is equal to a upon 3b. Since it was a rational number, so this is also a rational number. But यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे since we know that root 2 is irrational number. Therefore, ये कंट्राडिक्ट कर गया हमारी बात को. which implies that 3 root 2 is irrational number. ये कितने मार्क्स के लिए बताया मैंने? 2 मार्क्स के लिए. यही क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ जाता है या हायर मार्क्स के लिए आ जाता है कि प्रूफ करो ये इरेशनल है, तो वहां पर क्या करना है? यहां तक समझ में आ गया. root 2 is equal to a upon 3b. अब यहाँ से आपको लेट करना है कि लेट root 2 is equal to c upon d. यानी कि root 2 को अब लेट करना है कि ये एक रैशनल नंबर है और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था. Squaring both the side, तो कितना जाएगा? 2d square is equal to c square. That means 2 is divided by c square, which implies that 2 is divided by c. Equation number 1. यानी कि c is equal to 2. Let some constant e. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4e स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 2d स्क्वायर, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 4e स्क्वायर और d स्क्वायर इज इक्वल टू 2e स्क्वायर। यहां से कांसेप्ट आ जाएगा कि 2 इज डिवाइडेड बाय d स्क्वायर व्हिच इंप्लाइज दैट 2 इज डिवाइडेड बाय d। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये बता रही है कि c और d का कॉमन मल्टीपल क्या है 2 है, C और D का कॉमन मल्टीपल क्या है 2 है, लेकिन आपने तो लेट किया था इसको रैशनल नंबर, इसका मतलब दिस कंट्राडिक्ट्स, दिस इंप्लाइज दैट √2 इज इरैशनल नंबर, √2 इज इरैशनल नंबर, इसका मतलब ये कंडीशन भी गलत है और यहाँ से समझ में आ जाता है 3√2 इज अ इरैशनल नंबर। आई होप द क्वेश्चन एंड द कंसेप्ट इज क्लियर, क्वेश्चन एंड द कंसेप्ट इज क्लियर, क्लियर है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट डाउन प्रूव दैट 5 minus root 3, prove that 5 minus root 3 is an irrational number। ये भी क्या प्रूफ करना है, इट इज अ इरैशनल नंबर, इट इज अ इरैशनल नंबर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। लेट 5 minus root 3 is equal to a upon b, where a and b are positive integers, where a and b are positive integers। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर रूट की क्वांटिटी है उसको एक तरफ, बाकी क्वांटिटी दूसरी तरफ, यानी कि रूट 3 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी, दैट इज 5b माइनस ए अपॉन बी। नाउ 5b माइनस ए अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, एंड वी नो दैट रूट 3 इज अ इरैशनल नंबर। देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स द गिवन कंडीशन, it contradicts the given condition, therefore 5 minus root 3 is an irrational number। very simple, very simple। सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो रूट 3 को लेट कर लोगे c अपॉन d एंड फिर फॉलो करोगे सेम पैटर्न जो हमने पहले किया हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ गया। रूट के क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक तरफ स्क्वायर रूट को रखो, बाकी की तरफ लेट कर लो और प्रूफ कर दो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number, irrational number। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। लॉजिक क्या है इसका, लेट 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, यानी कि अब रूट 5 को एक तरफ रखना है तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, दैट इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। तो रूट 5 कितना आ जाएगा, दैट इज a माइनस 3b अपॉन 2b। दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ इरैशनल नंबर, कंट्राडिक्ट हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। इट इज अ इरैशनल नंबर, इट इज अ इरैशनल नंबर। क्लियर है पॉइंट।